हां मैंने आवाज उठाई है। आज जो अनेकों साधु संत सन्यासी गांजा चिलिम लगाकर टुल्लू पड़े रहते हैं, दिन में राम राम रात में पौवा चढ़ाते हैं, मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। कौन उठाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज? मैं आया ही पड़ोखर महाराज छेड़ने के लिए हूं, क्योंकि बिना छेड़े कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मेरी इच्छा है कि समाज देख सके, एक ऐसा परीक्षण हो जिसे विश्व भी देख सके कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी शक्तियां हैं, किनके किनके पास वह दिव्य शक्तियां हैं और किनके पास नहीं है। मैंने तो अन्य धर्मों के लोगों का भी सम्मान आह्वान किया है कि एक ऐसा आयोजन हो, मैं अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हूं, अपनी पूरी सामर्थ्य का सहयोग देने के लिए तत्पर हूं। पड़ोखर महाराज, आपने कहा कि आप सरस्वती के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करता हूं। आपने कहा कि मैं सरस्वती का बुआणी का प्रयोग कर रहा हूं। पड़ोखर महाराज, मैं माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का भक्त हूं। माता महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली हर पल मेरे हृदय में वास करती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समस्त सम्मान ऐसी देवी शक्तियों को नमन करता हूं। इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। मेरे शिष्य मेरे सामने बैठे हैं, सीधा प्रसारण हो रहा है। चुनौती मैंने दी है, रोक सको मेरी वाणी को रोक लो। चुनौती मेरी समाज में आई है कि उस सम्मेलन के लिए लोग हामी भरे उपस्थित हो और जो कुछ वह करके दिखाएंगे उससे 10 कदम आगे की चीजें करके दिखा दूंगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। यह सत्य धर्म की यात्रा है। पड़ोखर महाराज, आपकी सिद्धियां तो अभी से काम करना बंद कर दिए हैं। मेरी यह यात्रा रोज सुनते हो, देखते हो, समझते हो और अपनी आवाज उठाने के पहले बहुत कुछ प्रयास किया होगा जानने का। आपने कहा कि मैं तंत्र मंत्र ऐसी चीजें सिखाता हूं लोगों को। मेरे पास 51 सिद्धियां हैं। पड़ोखर महाराज, मेरी सिद्धियों को गिनते गिनते थक जाओगे तब भी नहीं गिन पाओगे, क्योंकि मेरी इष्ट माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मैंने हर मंचों से अगर